इस भरम भूल में पड़ा होया मोह जाल नरक का घेरा है और तने कमा कमा के धन जोड़ा और वो तो तेरा है ना मेरा है। एक शब्द कवि ने कहा और आइए गुरुजी थोड़ा सा मूड बनाते हुए, सर्दी तो है ही, थोड़ा सा और दम और बढ़िया समझा के लाओ। वो किस भरम भूल में पड़ा हुआ, किस भरम भूल में पड़ा हुआ, जो मोह जाल नरक का घेरा है, किस भरम भूल में पड़ा कफन के अंदर जेब नहीं होती। यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है लेकिन भगवान के यहाँ वही खाते तैयार रहते हैं, कब कहाँ कौन क्या कर रहा है। कवि ने पहली लाइन के अंदर श्रोताओं लिख दिया, मूरख पगले जीवन थोड़ा बिन रात फिरे दौड़ा दौड़ा मूरख पगले जीवन थोड़ा दिन रात फिरिया दौड़ा दौड़ा तन कमा कमायो धन जोड़ा तन कमा कमायो धन करना चाहिए कि आत्मा का बस ये जतन कर लो और रोज थोड़ा थोड़ा हरी का क्या कर लो, भजन करो। हो तुम कैसा भजन करो, माला फेरते हो ब्रिज में तो माला फेरते हैं 108 वाली और उसमें बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कौन सा भजन करती हो, भजन करती हो कि भोजन? पहले भोजन फिर भजन, फिर भैंसे भी देखनी पड़ती हैं।
भाई भैंस भूस का काम होता है बहुत ज्यादा। अच्छा कोई बात नहीं, इधर कितने भाई लोग दादाजी सब भजन करते हैं, कोई कोई हाथ उठाना एक बारी। अरे वाह, एक दादाजी हैं जो भजन करते हैं। यही जीवन का सार है, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। माँ कहती है बेटा मेरा, फिर जब बहू आ जाती है तो कहती है तेरा बेटा मेरा। कुछ भी नहीं है बेटा साथ में, जब जाओगे ना तो वही पीछे वाले कहते जाएंगे राम नाम। बोलो आप यहाँ कुछ और कहते हैं क्या? यही है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि यही सत्य है। पीछे वाले कहेंगे राम नाम सत्य है, जबकि राम जी का नाम ही सत्य है। अब किसी की शादी में जाके बोलोगे तो क्या होगा? फेरे डल रहे हो और जाके बोल दो राम नाम सत्य है, क्या होगा? मार पड़ेगी बहुत भाई, झगड़ा हो जाएगा। लेकिन सामने वाला भी जानता है, हम भी जानते हैं कि राम जी का नाम ही सत्य है। अगर अच्छा आदमी होगा, मंदिर के लिए दान किया होगा, सत्कर्म किए होंगे, तो पीछे वाले कहते जाएंगे भाई बहुत बढ़िया आदमी था, बड़ा बुरा हुआ जो भगवान ने इसे अपने पास बुला लिया। वही घटिया होगा, इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, कभी अठन्नी भी दान नहीं करी होगी, पीछे वाले कहेंगे अबे बड़ा घटिया आदमी था, अच्छा हुआ जो चला गया। अबे मतलब भगवान ने ना थोड़ी देर कर दी, ऐसों को तो ले लेने ही चाहिए। आपने भी देखा होगा बुरे आदमी को मौत नहीं आती, लेकिन जो अच्छा आदमी होगा उसकी, कहते ना अच्छे आदमी की यहां भी जरूरत है और वहां भी। कहने का मतलब है भैया कुछ भी अपना नहीं है, इसलिए भजन करो और मौज लो। भजन करते रहो तो जीवन सार्थक बन जाएगा। दूसरी बात मैं सुनी, बड़ा सुनने लायक भाव और क्या लिख दिया। जिंदगानी है तेरी, दो दिन की जिंदगानी है, दो दिन का रहना बस उठाना भैया, दादा, माताओं, बहनों, बहन जीओं, चाचियों, ताइयों, हाथ उठाना, किस किस को समझ में आ रहा है? अरे हाथ उठाओ जब ढंग से समझ में आ रहा है तो। बहुत बढ़िया, जो समझदार लोग हैं उनको तो बढ़िया समझ में आ रहा है, कुछ अंग्रेज भी बैठे हैं वो हाथ नहीं उठाए, आई थिंक उनको ज्यादा समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में आनी चाहिए बात। तीसरी आ रहा है, चाय पियो, चाय पे ध्यान दो, तुम्हारी तो जाने की उम्र है अब। आइए सुनिए तीसरी लाइनों में क्या लिख दिया। मैं
मर जाएंगे तब क्या होगा? अपने हर किचना उकेंगे ना अंत समय पर झुकेंगे। अपने हर किचना उकेंगे ना अंत समय पर झुकेंगे। क्या करेंगे सुदामा जी? अग्नि में रख कर फूकेंगे, अग्नि में रख कर फूकेंगे। जानती हो कि जो हम यहां कमाते हैं ये हम साथ लेके तो जाएंगे नहीं। कैसे जाएंगे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ। तो मानते हो कि नहीं कि जो मैं गा रही हूं वो सच है, झूठ तो नहीं बोल रही? तो अब ये बताओ, आपका जो बंगला है, जो घर है, जो गाड़ी है, वो यही रह जाएगी? उसको आपके ज्यादा ज्यादा बच्चे यूज कर लेंगे। 10 साल की वैसे गारंटी होती है गाड़ी की, उसके बाद चेंज करनी होती है। कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आज बाबा हरनाम जी के मंदिर में ये कसम खाओ बाबा, जो भी हमारा बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, वो सब बाबा के मंदिर में दान करेंगे। उठाना हाथ, कौन कौन दान करेगा? है? तुम ना करो अठन्नी भी। गाड़ी बंगला तो बहुत दूर की बात है, जानते सब हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको भी पता है, लेकिन भाई जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं है। अंतिम लाइनों में सुनिएगा कभी ने क्या भाव ले लिया। गुरु धर्म वीर भक्ति कारण दुनिया में ज्ञान अग्नि में रख कर फूकेंगे, अग्नि में रख